नमस्कार, मैं आनंद शेखर और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। दरअसल केके पाठक ने सामान्य प्रशासन विभाग को छुट्टी के लिए अर्जी दी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। अब केके पाठक 3 जून से 30 जून तक अर्जित अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार सौंपा गया है। वो केके पाठक के आने तक इसका कामकाज देखेंगे। केके पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद कई तरह की चर्चाओं से बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि हाल ही में सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी को लेकर विवाद हुआ था। भीषण गर्मी में स्कूलों की समय सारणी में बदलाव किया गया था, लेकिन छुट्टी की घोषणा नहीं की गई थी। शिक्षा विभाग के इस फैसले से असहमति जताते हुए बिहार सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने सरकारी स्कूलों में 8 जून तक छुट्टी की अनुशंसा की थी, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी कर दिया था। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों की छुट्टी तो कर दी, लेकिन इस दौरान शिक्षकों को स्कूल आने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद इस मामले पर काफी विवाद भी हुआ था। वहीं अब वर्तमान में केके पाठक की अनुपस्थिति में डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग का कार्यभार संभालेंगे और बिपार्ड के डीजी के प्रभार में भी रहेंगे। इस प्रकार से शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक की लंबी छुट्टी और गर्मी की छुट्टियों को लेकर उत्पन्न विवाद ने बिहार शिक्षा विभाग को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। केके पाठक की अनुपस्थिति में शिक्षा विभाग का कार्यभार संभालने वाले डॉक्टर एस सिद्धार्थ के सामने कई चुनौतियां होंगी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।